सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं राजस्थान में। वैकेंसियों की भरमार है, तो निश्चित रूप से लगे हुए होंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो कंफ्यूज हैं, करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस विषय से संबंधित है, जैसा कि आपने थंबनेल से भी आपको समझ आ गया होगा। एक ऐसा विषय जिसको लेकर महिलाएं बहुत परेशान होती हैं, बहुत असमंजस में रहती हैं कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम क्या करें, कैसे करें जिससे हम भी परीक्षा की तैयारी कर पाएं। मैं स्वयं भी इस बात से बहुत दिनों तक परेशान रही कि मैं क्या करूं, मैं करना चाहती हूं बच्चों के साथ, घर के साथ, मैं कैसे तैयारी करूँ। तो मैंने अपने अनुभवों से जो सीखा है आज, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में साझा करना चाहती हूँ। मैं आपको कुछ ऐसी सामान्य सी बातें बताऊँगी जिनको फॉलो करके, जिनको अपने जीवन में लाकर आप एक सफल अभ्यर्थी बन सकते हैं। जो आप पाना चाहते हैं वही बन सकते हैं, कर सकते हैं। 24 घंटे में से ही कैसे आप अपने लिए समय निकालें, कैसे आप घर के साथ पढ़ाई को मैनेज करें। अगर आपके बच्चे हैं, आप करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही, तो कैसे करें जिससे उतने ही समय में आप कुछ कर पाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस दिशा में आपको बैठकर एकांत में ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप सच में ऐसा करना चाहती हैं या फिर आप अपनी सहेली को देखकर तैयारी कर रही हैं। सबसे पहली बात ये आवश्यक है। आपके मन से अगर आवाज़ आए कि मुझे करना है, मुझे बनना है, मैं इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहती हूँ, तो निश्चित रूप से फिर आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो टिप्स हैं, जो बातें, जो मेरे अनुभव हैं, वो निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे एक सफल अभ्यर्थी बनने में, सफलता प्राप्त करने में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने दिन भर की दिनचर्या पर बैठकर विचार करें कि आप कहाँ समय निकाल सकती हैं। क्योंकि देखिए, टाइम टेबल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पर महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए। हालांकि वो थोड़े मददगार होते हैं, लेकिन आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, आपके कितने बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, आप सुबह पढ़ सकती हैं, आप रात को पढ़ सकती हैं, आप सुबह उठ सकती हैं, शाम को कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें आप जानती हैं कि आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं। तो दिन भर बैठकर अपनी दिनचर्या पर विचार कर लें और ये देखें कि आप कहाँ पर समय निकाल सकती हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर भी थोड़ा सा आसान हो जाता है उनके जाने के बाद अपने लिए समय निकालना, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप कैसे मैनेज करें। तो वो सारी चीज़ें आपको एक बार बैठकर सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऐसा समय है जिसे आप यूज़ कर सकती हैं, जिसे आप मोबाइल में या ऐसे ही बैठकर या दुखी होकर या उसमें स्लो प्रोसेस में आप उसको वेस्ट करती हैं। तो सबसे पहले बैठकर आपको अपनी जो दिन भर की दिनचर्या है उस पर विचार करना है कि कैसे आप अपने लिए समय निकाल सकती हैं। ऐसा करने के बाद अब अपने लिए एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बना लें। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब ये है कि आप इस बात पर बिल्कुल ना जाएं कि देखिए उसकी बहू तो लाइब्रेरी जाती है, वो तो 16 घंटे पढ़ती है, वो तो सुबह से रात तक पढ़ती है, तो मुझे भी 14 घंटे का टाइम टेबल बनाना है, 16 का बनाना है। बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने लिए 4 या 5 घंटे भी निकाल पाएँ रेगुलर 2-3 महीने तक, तो बिल्कुल पर्याप्त है आपके लिए। तो इसलिए अपने लिए एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बना लें जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर पाएँ। जितना टाइम आप रोज निकाल पाएँ, 4 घंटे 5 घंटे, उसके हिसाब से कि मुझे सुबह 2 घंटे ये मिलेंगे इस समय, 1 घंटा मैं ऐसे दिन में निकालूंगी, 2 घंटे ये मैं शाम को निकालूंगी। तो जो भी प्रैक्टिकल टाइम टेबल आप बना सकती हैं वो बना लें। अब जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रही हैं उसका पाठ्यक्रम आपके पास अवश्य होना चाहिए, उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। हार्ड कॉपी मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ ऐसे काम हैं जो हमको लिख कर उसमें करने पड़ेंगे। जैसे हमने एक बार जो विषय पढ़ लिया, हम उसको टिक करते जाएंगे। पहले आप उसको पेंसिल से टिक करते जाइए, फिर जिस विषय का आपने रिवीजन कर लिया उसको आप ब्लू पेन से टिक करते जाइए। तो इसके लिए आपके पास पाठ्यक्रम की, सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल में एडिटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और हर एक व्यक्ति कर भी नहीं पाता। इसलिए
जो भी पाठ्यक्रम, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करें उसका निकलवा लें और उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखें। अब पाठ्यक्रम से आपको प्रारंभ करना है, आपका जो प्रतियोगी परीक्षा की तरफ पहला कदम है वो प्रारंभ हो चुका है। सारे सिलेबस को अच्छे से 2-3 बार पढ़ जाएं, देख लें कि क्या क्या सिलेबस में टॉपिक हैं, अच्छे से पढ़ें। क्योंकि अगर आपने सिलेबस याद कर लिया, आपको सिलेबस अच्छे से पता हो गया, तो मान लीजिए आपकी आधी परीक्षा पास हो चुकी। पाठ्यक्रम सिलेबस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको सारा सिलेबस देखना है। अब उस सारे सिलेबस को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लें, इस तरीके से उसको तोड़ें, क्योंकि पाठ्यक्रम छोटा छोटा टुकड़ों में दिया होता है। तो अगर आपको कोई टॉपिक छोटा लग रहा है तो 2 टॉपिक को एक साथ कर लें, कोई बड़ा लग रहा है तो उसको 2 टुकड़ों में विभाजित कर लें। इस तरह से उस पूरे सिलेबस का, जो सब्जेक्ट है उसका भी और जो GK है उसका भी, इस तरह से उसको विभाजित कर लें कि 45 से और 60 दिन के अंदर वो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ख़त्म हो जाए, आप उस पूरे सिलेबस को पढ़ पाएँ। अभी मैं बोल रही हूँ पढ़ पाएँ, आप रटने पर बल ना दें, अच्छे से समझ कर पढ़ने पर बल दें। तो आपको क्या करना है, सारे सिलेबस को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना है 45 से 60 दिन के टाइम के अंदर, और आप आराम से कर सकते हैं। तो आप सारे को 45 से 60 दिन का एक बार मोटा मोटा टाइम टेबल बना लें। अब जो दूसरी बात आती है आपके लिए, वो है सोशल मीडिया की भरपूर मदद लें। सोशल मीडिया को अपना गुरु बना लें, अपना कोचिंग सेंटर बना लें। क्योंकि अगर आप घर से नहीं निकल सकती, आपको घर पर रहकर ही तैयारी करनी है, घर परिवार के साथ तैयारी करनी है, बिना कोचिंग के तैयारी करनी है, तो आपको कोई ना कोई सही मार्गदर्शन चाहिए। और वो मार्गदर्शन आज के समय में आपको फ्री, बिना किसी पैसे के, अच्छा, ऐसा मैं नहीं कह रही बेकार, अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन भी YouTube पर उपलब्ध है। तो सोशल मीडिया को अपना गुरु बनाएं, इसकी भरपूर मदद लें। किसी भी ऐसे सफल व्यक्ति से बात करें जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो चुका है, चाहे वो आपके आसपास हो या फिर सोशल मीडिया पर ही हो। अगर आपके आसपास है तो बेस्ट है, उससे बात करें, उसने कैसे पढ़ाई करी है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी होते हैं, उनको निश्चित रूप से पता होता है कि यूट्यूब पर ये शिक्षक अच्छा पढ़ाता है, ये विषय इसने अच्छा पढ़ाया है। तो आप किसी भी सफल व्यक्ति की मदद ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाते हैं, पैसे देकर भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छे टीचर्स को खोजें, सबसे पहले यह आवश्यक है। जैसे अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तो आपको GK तैयार करना है, दूसरा सब्जेक्ट तैयार करना है। तो दोनों के लिए ही अच्छे शिक्षक की खोज करें, सही शिक्षक की खोज करें, क्योंकि वो आपकी सफलता में एक बहुत बड़ा उनका योगदान, उनका हाथ होता है। तो किसी भी सफल व्यक्ति से अच्छे लोगों की एक लिस्ट बना लें कि ये टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, उनको खोजें, यूट्यूब से पढ़ें, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स खरीद लें, उससे डेली स्टडी करें। अब पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, हमने टीचर खोज लिया, हमारे पास बुक्स भी आ गई, सब हो गया। अब क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले मेरी सलाह आपको ये है कि कोई भी वीडियोस जो उपलब्ध हैं, या तो YouTube पर या आपने जो कोर्स लिया है उसके, पहले उस वीडियो को देखें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसको पढ़ें, और फिर उस टॉपिक को बुक से पढ़ें। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए पढ़ाई छोड़ रखी है बहुत दिनों से, आप बच्चों में लगे हुए हैं, घर गृहस्थी में लगे हुए हैं, और आप किताब लेकर सबसे पहले उस सिलेबस को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप 2-3 दिन में ही बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो अपना इंटरेस्ट बनाने के लिए, विषय को समझने के लिए, इसको लंबा चलाने के लिए प्रोसेस को, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप वीडियोस को देखें और फिर उसी टॉपिक को, जो भी बुक आपके पास उपलब्ध है, उस बुक से पढ़ें। अब उस बुक को पढ़ते हुए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने वीडियोस में देखी, वो भी मान लीजिए बुक में नहीं लिखी हुई, तो जो भी इम्पॉर्टेंट बातें आपको लगती हैं बुक में अंडरलाइन करते चलिए, और जो एक्स्ट्रा बातें हैं उनको आप उस बुक में ही साइड में लिखते चलिए, जिससे कि आगे जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए सारा मैटर एक जगह उपलब्ध होगा, आपको बार बार वीडियोज़ नहीं देखने पड़ेंगे, आपको अलग अलग नोटबुक्स नहीं उठानी पड़ेगी,
उस बुक्स में ही आप लिखते चलिए, खाली जगह पर लिखते चलिए, अगर बुक में स्पेस होता है, अगर नहीं है तो छोटे छोटे पेजेस में नोट्स बना लीजिए और उसको वहीं पर अटैच कर दीजिए उसी पेज के साथ। तो इस तरह से पहले वीडियो से उस टॉपिक को पढ़िए और फिर उस टॉपिक को बुक से पढ़िए, तभी वो आपका जो टॉपिक है वो कवर माना जाएगा। तो ऐसा करने से एक तो आपने जो वीडियोस देखे हैं, वीडियो से पढ़ा है, उसका रिवीजन हो जाएगा, दूसरा कुछ जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी आपको उसी के साथ ही पता चल जाएंगी। और नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आप फटाफट रिवीजन कर पाएंगे, एक जगह ही आपको सारा मैटर रिवीजन के लिए उपलब्ध हो पाएगा। अब कई बार ये भी दिक्कत आती है कि हम बुक लेकर बैठ नहीं पा रहे, बुक बच्चे हमारे पढ़ने नहीं देते, क्योंकि देखिए सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, मुझे पता है कि इसके बाद और क्या परेशानी आ सकती है, अब इसके बाद क्या परेशानी आ सकती है। तो आप बोलेंगे मैम ने बोला था बुक से पढ़ना है, बुक से तो बच्चा मेरा पढ़ने नहीं देता। तो अगर आप बुक लेकर नहीं बैठ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, तो मोबाइल में उसकी फ़ोटो ले लीजिए। अब मान लीजिए बच्चा खेल रहा है, बच्चा कुछ कर रहा है, तो आप मोबाइल खोल कर बैठिए और उसमें जो आपका चैप्टर है उसको आप पढ़ लीजिए, तो आपका रिवीजन उसमें हो जाएगा। तो इस तरह से आप मोबाइल की मदद ले सकते हैं, मोबाइल में दिन भर के जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आप फोटो खींच कर रखिए, जहाँ पर भी जैसा भी समय आपको 5 मिनट मिले एक पेज पढ़ लीजिए। तो जैसा जैसा आपको समय मिलता जाए मोबाइल की मदद लीजिए और उसको पढ़ते चलिए। दूसरी बात यह है कि कुछ महीने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप स्पेशली इन दोनों से दूरी बना लीजिए। देखिए आप कहेंगे कि इन दोनों से हम स्टडी करते हैं, हमको पढ़ाई में मदद मिलती है, मिलती होगी निश्चित रूप से, लेकिन मदद मिलने के साथ साथ ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने का काम ज़्यादा करते हैं। आपने फेसबुक खोला, एक बार कोई कमेंट पढ़ा, फिर आप उसमें उलझ गए, फिर दूसरी किसी की पोस्ट आ गई, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं। अगर आपने व्हाट्सएप पे किसी को रिप्लाई किया तो फिर वो चेन बन जाती है, आपको आधा घंटा वहाँ पर ख़राब हो जाएगा, आपके पास समय बहुत ही नपातुला, और स्पष्ट है कि आपके पास समय नहीं है, आपने बहुत ही मुश्किल से 4-5 घंटे निकाले हैं। तो फेसबुक और व्हाट्सएप इन दोनों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। मोबाइल में अगर आपको कोई ऐप्स चलानी है तो या तो वो आपकी ऑनलाइन कोर्स वाली ऐप हो सकती है या फिर टेलीग्राम हो सकता है, क्योंकि टेलीग्राम पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स के चैनल हैंडल बने हुए हैं, जहाँ पर कि इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आती हैं, पीडीएफ्स आती हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब की मदद आप ले सकते हैं, यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियोस आप देख सकते हैं। तो मोबाइल में कुछ दिन के लिए अनइंस्टॉल कर दीजिए फेसबुक को, व्हाट्सएप को, और टेलीग्राम यूट्यूब जैसे जो एजुकेशनल ऐप हैं उनकी मदद लीजिए। अब तो ये तो हो गई आपकी पढ़ने की एक कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे, कैसे कैसे आप पढ़ने के लिए समय निकालेंगे, किस तरह से आप पढ़ाई को मैनेज करेंगे। अब दूसरी बात है कि घर बीच में आ जाता है, क्या करें, बच्चे हैं। तो देखिए अपने प्रियजनों से, अपने परिवारजनों से मदद लेने में बिल्कुल संकोच ना करें। अगर कोई मदद नहीं कर रहा है तो आप चला कर मांग लीजिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा समय है, 2-4 महीने की बात है, जब आप कुछ बन जाएंगे, इस काबिल हो पाएंगे कि आप मदद रख पाएंगे, अभी आपको मदद मांगनी पड़ेगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आप थके हुए हैं, या आपके बच्चे को थोड़ी देर के लिए कोई संभाल सकता है, उसके नाना नानी हैं, उसके दादा दादी हैं, या आपके पति हैं, या कोई भी है, तो आप मदद मांगने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए, लोगों के पास जाइए, उनसे मदद मांगिए। तो अगर आप 4 बार मांगेंगे तो एक बार तो आपको मदद मिल ही जाएगी। तो कुछ दिनों के लिए स्वार्थी हो जाइए, लोगों से मदद मांगिए। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि थोड़े दिनों के लिए घर के कामों को लाइटली लेना चालू कर दीजिए। देखिए कि मैं ऐसा सफाई करती हूँ, मेरा ये टाइम टेबल है, बच्चे का ये टाइम टेबल है, थोड़े से दिन के लिए उनको लाइटली लीजिए। देखिए जो ज़रूरी काम है वो तो करने पड़ेंगे, खाना खाना पड़ेगा, बच्चे को देखना पड़ेगा, इन चीज़ों में आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, लेकिन कुछ काम निश्चित रूप से घर में ऐसे होते हैं जिनको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो थोड़े से दिनों के लिए घर के कामों को लाइटली लीजिए। अगर ठीक है, अगर अच्छे से सफाई नहीं हुई, अगर आपने कपड़ों को थोड़ा अच्छे से नहीं धोया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े दिन की बात है। घर के कामों को जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास कीजिए, और जो भी समय 10 मिनट आप बचा पाएँ, 20 मिनट आप बचा पाएँ, उसको आप पढ़ाई में लगाइए। जब आपके दिमाग में
सफाई की जगह, कपड़ों की जगह, बर्तन की जगह महाराणा प्रताप आएंगे, भारतीय संविधान आएगा। जब आपके सपने में भारतीय संविधान चलेगा, जब आपको उठते ही क्या सब्जी बनाऊं, इसकी जगह पर क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, ये ख्याल आएगा, तो मान लीजिए आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करिए कि 2-4-5 महीने के लिए थोड़ा सा उस जगह लाइट हो जाइए और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भरपूर नींद लीजिए। नींद में बिल्कुल कटौती नहीं करनी है। जब कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए हम टाइम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं कि सोने के घंटों में कटौती कर देते हैं कि आज से चल अब मेरा इधर टाइम नहीं निकल पा रहा तो मैं क्या करती हूँ कि सोने के लिए 5 घंटे रख लेती हूँ या मैं 4 घंटे सोऊंगी, मैं 12 बजे रात तक पढ़ूंगी और सुबह 4 बजे उठकर पढ़ूंगी। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है। नींद भरपूर लीजिए, 6 या 7 जितनी भी आपको लगता है कि 7 घंटे की नींद में अगर आप तरोताज़ा फील करते हैं तो 7 घंटे की नींद लीजिए। दिन में भी थोड़ा सा 10-5 मिनट के लिए झपकी ले लीजिए। तो नींद बिल्कुल परफेक्ट लीजिए, क्योंकि अगर आप 2-4 दिन 3-4 घंटे सोकर पढ़ भी लिए तो 4 दिन के बाद आपका दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा और आप अपने टाइम टेबल को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भरपूर नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। नींद में आप बिल्कुल कटौती मत कीजिए। दूसरे कामों में मैंने आपको बता दिया है, घर के कामों में अगर आपको कटौती ही करनी है, समय ही बचाना है, तो घर के कामों में बचाइए, नींद में मत बचाइए। दूसरा, पौष्टिक आहार आपको खाना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और पढ़ाई आप कर रहे हैं, आप पर एक्स्ट्रा लोड आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैंने खाया नहीं, सुबह से मैं पढ़ने लग गई, अभी मैंने छोड़ दिया। तो नींद और पौष्टिक आहार, ये दोनों बहुत आवश्यक हैं आपके शरीर के लिए। तो इन दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नींद में कटौती नहीं करनी है और खाना पीना अच्छे से करना है, जिससे आपका दिमाग, आपका शरीर आपका साथ दे और जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएं। दूसरी बात ये है कि टाइम की क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर नहीं। बहुत बार ऐसा होगा जब आप यूट्यूब के वीडियोस देखेंगे या आप अपनी किसी सहेली से बात करेंगे या आपके पड़ोसी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो 16 घंटे पढ़ता है या पढ़ती है, मैं क्या करूं, मैं तो 4 घंटे ही पढ़ पाती हूं या मैं 5 घंटे ही पढ़ पाती हूं। तो समय की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। और ये आप मेरा यकीन मानिए, एक एक बात मेरे अनुभव पर आधारित है कि अगर आपको पता है आपके पास पढ़ने के लिए 4 या 5 घंटे ही हैं, आपके पास 16 घंटे नहीं हैं, तो आप जितना कंसंट्रेशन से उन 4 या 5 घंटों में पढ़ेंगे उतना आप 16 घंटों में नहीं पढ़ पाएंगे। जिस विद्यार्थी को पता है कि मेरे पास सारा दिन है, आज मुझे ये पढ़ना है, सारा दिन मेरे पास कोई काम नहीं है, तो निश्चित रूप से वो लाइटली लेगा उस टाइम टेबल को, अपनी पढ़ाई को। वो भी दिन में उनिंदा हो जाएगा, कभी बैठा है, कभी ध्यान नहीं है, इधर उधर देख रहा है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके पास अभी 2 ही घंटे हैं, 2 घंटे के बाद आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से आप फुल्ली कंसंट्रेट कर पाएंगे पढ़ाई में। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। दूसरों को बिल्कुल मत देखिए कि वो तो इतने घंटे पढ़ती है। अगर आपके पास 4 या 5 घंटे ही हैं तो आप कंसंट्रेशन से पढ़िए, ये समझ कर पढ़िए कि मुझे ये 2 घंटे में ये टॉपिक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप उस विषय को अच्छे से समझ पाएंगे, उसको अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए दूसरों को देखकर बिल्कुल घबराएं नहीं, संयम से और धैर्य से निरंतर अध्ययन को करते रहें। 4-5 घंटे को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करें। किसी दिन 4 घंटे का 3 भी हो जाए तो घबराएं नहीं, 4 को 5 करने का प्रयास करें, 6 करने का प्रयास करें। अगर नहीं कर पा रहे, इसको भी निरंतरता आप इसमें भी बनाए रखेंगे तो आप कर पाएंगे। तो संयमित होकर निरंतर अपनी पढ़ाई को करते रहें। अगली बात है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये लगती है कि प्रत्येक दिन सुबह उठकर अपने पूरे दिन का टाइम टेबल सेट कर लें। आपने एक बार कर लिया 45 दिन का, 60 दिन का,
लेकिन फिर आपको एक दिन सुबह उठकर ये सोचना है, सबसे पहले उठते ही, कि आज मुझे दिन में ये पढ़ना है। अगर आप 100 सोचेंगे तो आप 75 भी अगर आपने कर लिया, 80% भी आपने कर लिया, तो मान लीजिए आपका लक्ष्य पूरा हो गया। अगर आप सोचेंगे नहीं, ऐसे ही पढ़ना प्रारंभ कर देंगे कि चलिए आज मैं पढ़ता हूँ, आज मुझे पढ़ना है, आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगी, 5 घंटे पढ़ूंगी, ये तो आपके पास टाइम टेबल है, लेकिन क्या क्या पढ़ूंगी, अगर ये नहीं है कि आज के दिन में मुझे क्या खत्म करना है, क्या टॉपिकों को पढ़ना है, तो फिर आप उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए सुबह उठते ही अपना जो पूरे दिन का टारगेट है वो निश्चित कर लीजिए, और अगर वो पूरा नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, अगले दिन उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए, लेकिन टाइम एक दिन सुबह पूरे दिन का आपको निश्चित अवश्य करना है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है ये तनाव देने वाली है। जैसे जैसे आप थोड़े दिन बढ़ेंगे, 5-7 दिन हो सकता है आप जोश में रहें, मजा आए, लेकिन 10-15 दिन के बाद आपको तनाव लगेगा आपको, क्योंकि आप अपनी दिनचर्या से हटकर कुछ काम करने लगे हैं, किसी ऐसे काम में अपना समय लगाने लगे हैं जहाँ पर आप नहीं लगाते थे, तो निश्चित रूप से आपको तनाव होगा। तो जब भी आपको तनाव हो, अपनी रुचि का कोई काम कर लें, 1-2 दिन के लिए पढ़ाई से ब्रेक ले लें, बिल्कुल ब्रेक ले लें, पुस्तकों को बंद करके रख दें, जो भी काम आपको पसंद है, बच्चों के साथ खेलें, गाने सुनें, या घर का काम करें, या केवल रिलैक्स करें, जो भी आप करना चाहते हैं करें, और फिर 1-2 दिन के बाद वापस जुटें। ये जो 1-2 दिन का ब्रेक है ये आपको एनर्जी देगा। ठीक है, आपने 60 दिन का टाइम टेबल बनाया, और अगर मान लीजिए आपने 15 दिन के बाद ब्रेक भी ले लिया तो कोई बात नहीं, 65 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे, उसमें लगे रहेंगे कि नहीं मुझे करना है, तो आप बिना मन से कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी आपको तनाव हो, 1-2 दिन का ब्रेक ले लें, रिलैक्स करें, और उसके बाद फिर से पढ़ाई में जुट जाएं। कुछ समय के लिए लोगों की बात सुनना बिल्कुल बंद कर लें, अपने आप को बहरा बना लें, क्योंकि सब तरीके के लोग होते हैं, आपको लोग तरह तरह की बात भी करेंगे, तो कुछ दिनों के लिए आपको किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना है, जो आप कर रहे हैं वो करते जाना है, निरंतर अपने लक्ष्य का मनन करते रहें। दिन में एक बार अवश्य आंख बंद करके बैठें, और जिस भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, अपने आप को उस जगह पर अपनी कल्पना करें कि मैं ये बन गया हूँ, मैं ये बन गई हूँ, ऐसी कल्पना करें, तो देखिए आपको वो जो मोटिवेशन मिलेगा उस कल्पना से, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, ये सेल्फ मोटिवेशन का काम करेगा। तो इसलिए दिन में एक बार अवश्य आँख बंद करके अपने आप कि उस पद पर कल्पना करें, अपने जीवन की कल्पना करें कि ये होने के बाद मेरा जीवन कैसा होगा, ये चीज़ आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखने में बहुत मदद करेगी। तो ये जो कुछ टिप्स हैं, कुछ बातें हैं, सामान्य सी बातें हैं, जिनको आप अगर आप फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे, आप बीच में छोड़ेंगे नहीं स्टडी को। होता ये है कि बहुत बार जोश में आकर हम चालू तो कर देते हैं, लेकिन हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि हम या तो टाइम टेबल गलत बना लेते हैं, या मोटिवेशन की हम में कमी आ जाती है, या फिर हम तनाव में आ जाते हैं। तो मैंने सारी बातों को ध्यान में रख कर कि इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, क्या हो सकता है, आपको लगभग हर एक जो समस्या आपके सामने आएगी उसका उपाय बताया है। तो इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करके आप सफल हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मेरी मंगल कामनाओं के साथ कि आप अवश्य ही सफल हो, और मेरा ये वीडियो, मेरे ये अनुभव, मेरी ये बातें आपकी कुछ मदद कर पाएँ। अगर 1-2 भी महिलाएँ इस वीडियो को देखकर अपने जीवन में कुछ कर पाई तो मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपकी कोई ऐसी महिला साथी है जो इस तरीके की परिस्थिति में फंसी हुई है और वो तैयारी करना चाहती है, तो आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें, और भी लोगों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। अगर आप संस्कृत भाषा से किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे जो भी वीडियोस अपलोड हों आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।